आपके बाल हद से ज्यादा झड़ रहे हैं? बालों की लेंथ सालों से एक ही जगह पर अटक गई है? तरह तरह की हेयर ऑयल्स, हेयर पैक्स और हेयर ग्रोथ सीरम अप्लाई करने के बाद भी कोई भी असर नहीं हो रहा है? तो इस वीडियो में मैं आपको देती हूँ एक चैलेंज, जो कि है 1 वीक चैलेंज। बस इस मैजिकल ब्लैक ऑयल को एक हफ्ते के लिए अपने बालों में लगा कर देखो, फिर देखना आप खुद मुझे आकर कमेंट करके बताओगे आपके बाल अभी एक भी नहीं गिर रहे हैं और आपके सालों से साल रुकी हुई हेयर की लेंथ भी बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो चलो देखते हैं क्या है इस ऑयल को बनाने का प्रोसेस। करीब 500 ml कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल के तेल को मैं सबसे पहले इस तरह से पैन में ले रही हूँ। ऑयल जब तक गर्म होता है तब तक हम इंग्रेडिएंट्स को रेडी करते हैं। हमें सबसे पहले कच्चा आंवला और इस तरीके की छोटे छोटे प्याज को लेना होगा। मैं यहाँ पर 5 कच्चा आंवला और 5 अनियन को ले रही हूँ, जिन्हें हमें सबसे पहले इस तरह से क्रश कर लेना है। तो यहाँ पर तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब तेल के अंदर क्रश किए हुए आंवला और प्याज को डाल देना है। इसे हमें उतनी देर तक पकाते रहना है जब तक इसमें रहने वाले मॉइस्चर सूख ना जाए। इसको समझने के लिए सबसे बेहतर ये है, तेल से जब बबल्स होना बंद हो जाएगा तब समझ लेना मॉइस्चर पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हमें बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है उसको एक एक करके डाल देना है, जैसे कि करी पत्ता, गुड़हल की फूल यानी कि हिबिस्कस फ्लावर और उसकी पत्ता, और लास्ट में तुलसी की पत्ता। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं यहाँ पर बहुत सारे क्वांटिटी में डाल रही हूँ ताकि हमारा जो ऑयल बने वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बने। अब इन सारे चीज़ों को हमें तेल के साथ तब तक पकाते रहना होगा जब तक सारे चीज डार्क ब्लैक कलर में कन्वर्ट ना हो जाए। पर हमें ये भी ध्यान में रखना है तेल को जलाना नहीं है, धीमी आंच में हमें धीरे धीरे तेल को बनाते जाना है। तो सारे चीज डार्क ब्लैक कलर में आ गया है। अब आखिरी जो इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें डालना है जो कि है 1 कप मेथी और 1 कप ब्लैक सीड्स। इन्हें डालने के बाद हमें गैस को टर्न अप कर देना है और ऑयल को कम्प्लीटली ठंडा होने तक वेट करना है। तेल जब ठंडा हो जाए तब एक छन्नी के ऊपर हमें कॉटन क्लॉथ को रख देना होगा और उसके ऊपर तेल को डालकर इस तरह से हमें अच्छे से तेल को छान लेना है और फिर तेल को एक ग्लास कंटेनर में भरकर रख देना है। इस तेल को आप आराम से 4 से 5 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हो। बस बीच बीच में अगर हो सके तो तेल को धूप में रखे। इस तेल से हमें हफ्ते में 3 से 4 बार बालों को अच्छे से चंपी करना होगा। स्कैल्प की हर एक सेक्शन को तेल से मसाज करना होगा जिससे तेल अच्छे से रूट्स के अंदर तक जा पाए। फिर आप चाहो तो तेल को पूरी रात तक बालों में छोड़ सकते हो या फिर 2 घंटे तक बालों में रख कर फिर बालों को शैम्पू से वॉश कर लो। ये ऑयल एक बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग ऑयल है जिसमें ढेर सारे नेचुरल गुडनेस भरपूर होती है जो कि स्कैल्प में जाकर इमीडिएट काम करना स्टार्ट कर देता है और इसीलिए इसको इस्तेमाल करने से आपको रिजल्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाती है। इस तेल को बस 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करने से बालों को वॉश करते हुए या फिर कंघी करते हुए आपको एक भी बाल गिरते हुए नहीं दिखाई देगी। तो बस सारे चीजों को भूलकर 1 हफ्ते के लिए इस चैलेंज को लेकर देखो। ट्रस्ट मी, आपके लाइफ बदल जाएगी, बाल आपके बेहद खूबसूरत, लंबे, घने और हेल्दी हो जाएगी।